मैं डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास डॉक्टर नील एक दो चीजें समझने आ रहा हूँ। उससे पहले एक प्रशांत मिश्रा जी मेरे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं ये चुनाव नॉट मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, ये मोदी वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया है, क्योंकि लोगों ने कमान हाथ में ले ली है और अब शायद विपक्षी पार्टी पीछे पीछे और जनता आगे आगे चल रही है, ऐसा भी लग रहा है। इसकी इसमें भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं संदीप मील साहब दो चीजें समझना चाहूंगा। एक तो यह है कि जो ये बार बार संविधान बदलने की बात मोदी जी अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर कहलवा रहे हैं, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, तमाम लोग, चाहे वो अरुण गोविल हो, और चाहे उससे एक मैं अभी जिन एक समाज में मतलब मैं पिछले 3-4 दिन का डेवलपमेंट कह रहा हूं, जैसे ये बिल्कुल विजिबल था अभी चुनाव से 6-8 महीने पहले कि अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के पीछे अलाइन होके खड़ा था, इररिस्पेक्टिव कि वो बीजेपी को हराए या ना हराए। और वो भी एक प्रेशर था कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना उसमें उनका भी एक अहम रोल था। लेकिन अभी हाल के दिनों में डॉक्टर संदीप मेल, ये पिछले 4-5-6 दिन से जो मैं देख रहा हूं और जितने लोगों से बात कर रहा हूं, दलितों को ये डर खतरा पैदा हो गया है कि ये अगर 400 सीटें लाए या आप ये फिर से चुन के आ गए तो संविधान को ये बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, क्योंकि आरएसएस के एक नहीं तमाम लीडरों ने कई बार और कई प्लेटफॉर्म से कह चुके हैं आरक्षण के विरोध में, उनकी पोजिशनिंग सबको पता है। दलित बहुत साइलेंटली होके बीजेपी से बाहर निकल गए हैं और वो बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। मैं अभी वो राजपूत सम्मेलन सम्मेलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दलित समुदाय की बात कर रहा हूं जिनका कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है, जिनका कोई नहीं है, लेकिन वो एक समुदाय है। दूसरा जरा मैं एक चीज और करूं पूछ लूं आपसे कि क्या जो राहुल गांधी कह रहे थे कि ये 150 सीट उस समय लगता था अरे 150 सीट कहां से आएगी, लेकिन अब वो संभावनाएं दिखने लगी हैं। पहले फेज में जो स्थिति हुई है तो 150 सीट के भी लाले पड़ सकते हैं। इसको अगर आज कोई कहे तो ये ऐसा नहीं है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर संदीप मिल दलित वाली बात और बीजेपी की सीट वाली बात। आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जोड़ा हुआ एक अच्छी बहस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जिसमें धनंजय सर और अजीत सर है। देखिए बहुत एक आसान सी बात है, वो बात ये है कि भारत का जब संविधान बना तो उसमें संविधान की बहसों में कई चीज आई, उसमें एक मुख्य चीज ये आई कि संविधान के सामने चैलेंज क्या होंगे। तो पहला चैलेंज सामने आया वो हुआ कि कोई व्यक्ति एक तानाशाह के रूप में संविधान के सामने उभर सकता है। माफ कीजिएगा, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं को ये पता थी और ये विश्व इतिहास से हमें इसका अनुभव था कि इस तरह का व्यक्ति, इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की राजनीतिक दल भारत में उभर सकता है, उसकी सारी संभावनाएं थी। तो मतलब आपको उसको थोड़ी अलग भाषा में कहूँ, राजनीतिक भाषाओं में, तो ये कहा जा सकता है कि मैं ये मालूम था कि कोई सिरफिरा आ सकता है जो हमारे संविधान को खतरा पैदा कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो संतुलन बनाया शक्ति का, हमारी न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका विधायिका तक है, और वो जिस तरीके से विकेंद्रीकरण किया, देखिए भारतीय संविधान में एक चीज दुनिया से सबसे अद्भुत है वो है गांधी का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, कि ताकत को इतनी बटी हुई है कि किसी व्यक्ति को लगे कि मैं ताकतवर हूं तो आप समझ लीजिए कि उस समय वो सबसे कमजोर है। इसलिए ये जो एजेंडा है ना, भारत को एक फासीवादी स्टेट में, भारत को एक अधिनायकवादी स्टेट में, भारत को एक एकाधिकारवादी राज्य में परिवर्तित कर देने का, ये सफल नहीं हो सकता। ये बहुत साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी भारत में जब जब राज में आई है, इवन अटल जी के राज में, तो उन्होंने संविधान को बदलने की समिति भी बनाई है, उसकी रिकमेंडेशन भी आई है, और वो सारा परिवेश जो दिखाई देता है वो साफ साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का संविधान चाहती है।
तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संविधान चाहती है जिसमें न्याय नहीं हो, जिसमें बराबरी नहीं हो, जिसमें अन्याय और लोगों का शोषण हो। और वो उसका उसका दावा करती है कि ये भारत के संविधान में या भारत के इतिहास में बहुत समय से चल रही है, उसको परंपरा कहकर यहाँ हम लोगों के सामने रखती है। लेकिन आधुनिकता, हमारे संविधान ने एक बहुत अच्छी चीज अपनाई है, वो है वैज्ञानिक चेतना, हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो भारत का संविधान का जो ढांचा है वो मानवतावादी है। मेरा ये मानना है कि कोई भी नरेंद्र मोदी नहीं, मैं कह रहा हूं कि 5 नरेंद्र मोदी आ जाएं, 10 नरेंद्र मोदी आ जाएं, तो भारतीय संविधान की आत्मा नहीं बदल सकती। इसलिए नहीं बदल सकते आनंद सर कि वो फोकट में, वो कोई बहुत आसानी से मिला हुआ संविधान नहीं है। उसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, उसके लिए बहुत बहुत जिंदगियां गई हैं, उसके लिए बहुत हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी गई है, उसके लिए बहुत हमारी बौद्धिक संपदा गई है, उसके लिए भारत की संस्कृति का एक हिस्सा गया है। भारत की संस्कृति वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बता रही है। भारत की संस्कृति वो है जो समावेशी संस्कृति है, जो मिलजुल कर चलने वाली संस्कृति है। इसलिए मेरा मानना है कि संविधान को नहीं बदल सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि संविधान में कर क्या सकते हैं, वो बहुत आसान सी बात है। वो आसान सी बात ये है कि संविधान जो है वो लोगों की भावना से चलता है, वो जनता की भागीदारी से चलता है। तो सीधी सी बात है, जनता की भागीदारी और भावना को कुचल दो। उसके लिए आपके पास भावना को कुचलने के लिए मीडिया है, और भागीदारी को कुचलने के लिए आपके पास इलेक्शन सिस्टम और वो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है। उसको कुचलने की सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन एक आश्चर्यजनक मैं आपको बात बताऊं कि भाजपा के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कोई 5 समर्थक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नहीं मिल सकते जो संविधान को खत्म होते हुए देखना चाहते, नहीं मिल सकते। उनको पता है कि हमने संविधान अंग्रेजी हुकूमत से किस तरीके से लड़के लिया है। तो जो दो व्यक्तियों का जिस तरीके से भाजपा में एक आधिपत्य बन रहा है, उसको चुनौती एक एक तरीके से वोटिंग बिहेवियर में मिल रही है, वोट की राजनीति में मिल रही है, दूसरी तरीके से भारत की सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में मिल रही है। हमारे यहाँ पे दो बहुत खूबसूरत बातें हैं जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप बहुत अलग मानेंगे। अलग ये मानेंगे कि भारत की संस्कृति कभी भी किसी तरीके का मतभेद हो उसको खत्म नहीं करना चाहती। हमारी संस्कृति मतभेद को जिंदा रखते हुए, मतभेद को स्वीकार करते हुए, मतभेद को एक सम्मान देते हुए आगे बढ़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये मुक्त क्या होता सर, ये बहुलतावादी देश है, विविधता की संस्कृति है, यहाँ कोई किसी से मुक्त नहीं है। हो सकता है मेरी आज आपसे आज नाराजगी हो सकता है मैं आज आपके यहाँ चाय नहीं पीऊं, हो सकता है कल मैं आपके यहाँ से सब्जी मांग लूं कि सर है ना मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, परसों मेरे यहाँ गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, तरसों यहाँ मेरे पास बिल जमा करने के पैसे नहीं। ये सब हमारे समाज का हिस्सा है, हमारा समाज मिलजुल के चलने वाला समाज है। उसको जिस एकरूपता में ढालने की कोशिश है वो कोशिश हार रही है। मैं आपको कुछ विधानसभाओं के राजस्थान के उदाहरण दूंगा, शेखावाटी के, सीकर के, झुंझुनू के, चूरू के। तो ये विधानसभाएं किसान आंदोलन की या किसानों की एक ऐसी पृष्ठभूमि की विधानसभाएं हैं जहां की प्रवृत्ति ये है कि सर कोई एक, अगर किसी को घर में रोटी खानी है, रोटी बनाता है या बनाती है, तो एक रोटी नहीं बनाती, अपने परिवार की भी बनाती है और 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाती है कि राह चलता हुआ कोई व्यक्ति भूखा आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है, वो ये किया कि कोई भूखा और जरूरतमंद व्यक्ति बोल ना सके। और हमारा संविधान हमें ये गारंटी देता है कि कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, कितनी भी ताकतवर सत्ता हो, कितना भी ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति हो, लेकिन एक नागरिक इतना ताकतवर होता है कि अगर उसके कोई अधिकारों का हनन होता है, अगर उनकी कोई जरूरत होती है, तो अपनी आवाज उठा सके। एक ये बात।
दूसरी एक बात और है सर, वो बहुत थोड़ी सी अलग बात है, मैंने अनुभव की है, शायद आपने भी की हो, धनंजय सर ने भी की हो, अजीत सर ने भी की हो। पिछले दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 14 और 19 के चुनाव में एक पूरी तादाद थी 18 से लेकर 25 साल की उम्र के नौजवानों की, जिनको नरेंद्र मोदी और भाजपा ने पहला वोट मोदी के नाम, पहला वोट ये, तमाम तरह के नारे दिए। और मैं आपको नाम बता सकता हूं, है ना, बहुत सारे नौजवानों से 18 साल पहले वोटर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि सर, है ना, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के साथ बहुत गलत किया है, राहुल गांधी विपक्ष के साथ बहुत गलत किया है, राहुल गांधी हमारी आवाज उठाता है और हम उसका समर्थन करते हैं। और आप देखेंगे कि आपने जो बात कही ना कम वोटिंग परसेंटेज की, वो उसकी उसका एक ही कारण है, वो ये है कि नौजवान एकदम यंग जो है ना, 18 से 25 और 30 समझ लीजिए, वो नौजवान का लोकतंत्र में विश्वास कम हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार है, वो नहीं आया है सर। और वोट राजस्थान के विभिन्न बूथों पे देखा तो 35 साल से बड़े लोगों ने किया है। एक और बात की हुई है, एक बात ये हुई है कि महिलाओं को और किसानों को जो विश्वास दिलाया कि MSP आपकी, आपको है ना, ये जो पूरा का पूरा उसमें फायदा दे देंगे, आपको उसमें स्वामीनाथन रिकमेंडेशन लागू कर देंगे, और वो तो हुई नहीं। आप समझिए, बहुत आसान सी बात है कि गेहूं का बाजार में 2075 रुपए बिक रहा है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, और नरेंद्र मोदी आ रहे थे उससे पहले भी इससे 5 रुपए ज्यादा ही बिक रहा था। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं MSP बढ़ाऊंगा, मैं स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन लागू करूंगा, और किसान बहुत निराश है। और सच में आपको मैं आपको बताऊं कि सिर्फ खेती से इतना निराश है कि इस देश को बचाने के लिए किसान की बहुत जरूरत है, और नरेंद्र मोदी के इतने खिलाफ वो इसलिए नहीं गया, कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, किसान सिर्फ पूछ रहा है कि आपने हमारी आमदनी नहीं बढ़ाई लेकिन लागत क्यों बढ़ा दी, डीजल का, पेट्रोल का पैसा, DAP का पैसा, 50 किलो का जो कट्टा DAP का आता था वो 45 किलो का आने लगा, कीमत बढ़ गई, यूरिया का पैसा, बाजार ले जाने का पैसा। और उसके बाद में सबसे जो खतरनाक बात हुई है सर, वो हुई है कि किसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान को किसान नहीं कहा, उसको कभी खालिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी, तमाम तरह के जुमलूचे उसको। आप सोचिए, जिस दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, किसान तो किसान है, वही उसको सब्जी देते हैं, वही पानी देते हैं सर, वही अनाज देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बिना किसान कैसे जिंदा रह सकती है। और आखिरी बात है सर, मैंने वक्त ज्यादा ले लिया थोड़ी, वो है महिलाओं की। महिलाओं ने नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा की दोनों सरकारों में काफी वोट दिया। वो इसलिए दिया कि महिलाओं को लगा कि एक समावेशी समाज बनाएगी, ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि महिलाओं को ये करेगी। महिला आरक्षण बिल लागू करने के बाद राजस्थान और पूरे उत्तर भारत में महिलाओं के इश्यू पे सबसे कोई चुप रहा है वो भारतीय जनता पार्टी। महिला विरोधी लोगों को टिकट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इस चुनाव में महिलाओं का कोई उत्साह नहीं है, सबसे कम वोट लिए सर महिलाओं ने, वोट कास्ट किए हैं। तो ये सब तो भाजपा के विरोध की बात थी। दो तीन बातें हैं, एक मिनट में उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र नहीं चाहती, उसको हम छोड़ दीजिए। एक बड़ा वर्ग है जो इस देश में लोकतंत्र चाहता है, दलित, आदिवासी, OBC, महिला, अल्पसंख्यक और भारत का प्रतिशील नौजवान लोकतंत्र चाहता है, वो उसके पक्ष में खड़ा है, और सारा मीडिया उसके खिलाफ खड़ा है एकमात्र। और सर मैं आपको बात बताऊं, एक बच्चा आज दिन में मुझे मिला है ना, और उसने सिंपल सी एक बात कही, उसने आप कल्पना नहीं कर सकते, वो बच्चा गांधी को जानता है, नेहरू को जानता है, तो हमारा स्वाधीनता आंदोलन का जिस तरीके से विस्तार हुआ है और लोगों की चेतना में वो फैला है, तो मुझे ये यकीन है कि कोई भी सिरप्रे, कोई भी तानाशाह हमारे संविधान को खत्म नहीं कर सकते। हमारे देशभक्तों ने, हमारे स्वाधीनता के
सेनानियों ने खून और पसीने को बहाकर बहुत मुश्किल से इस लोकतंत्र को हासिल किया है, जिसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।